तेरी। हेलो बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज थोड़ी क्लास लेट होने में इंटरप्ट के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। बट एक घंटे की क्लास होगी, सबके सब बेटा वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। अब सबके सब लाइव आ जाओ, ठीक है। एंड सॉरी फॉर दैट, आज थोड़ा बाहर चला गया था, थोड़ा सा लेट हो गया, बस 15-20 मिनट लेट हो गई क्लास, है ना। चलिए भाई, आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा मैं। गौर से आप बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी फास्ट, प्लीज फास्ट, सब के सब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जल्दी फास्ट प्लीज बेटा। एक काम करना बेटा, सबके सब स्टूडेंट सबको बता दो, कांटेक्ट में जितने भी हैं उनको बता दो कि मोहिसर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। प्लीज बेटा, वो हुआ नहीं, आज शेड्यूलिंग भी नहीं लग पाई ना कुछ हुआ, मैं बाहर था थोड़ा, इसलिए नहीं हो पा रहा, ठीक है। चलिए भाई, आंसर बताइए जल्दी फास्ट। चलिए बेटा, बेटा एक काम करो, सभी स्टूडेंट्स जो भी कांटेक्ट में उन्हें बता दो, क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना 8:30 बजे ही चले गए होंगे, ठीक है। प्लीज़ फास्ट, जल्दी फास्ट, सभी के सभी बता दें प्लीज़। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे देखो, देखिए भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40 रुपये में 15 की दर से उसने केड़ी खरीदी, ठीक है। फिर उसने 50 रुपये में 30 की दर से केड़ी बेच दी। आज आपको खरीदने की इंफॉर्मेशन क्वांटिटी में भी दे रखी है और रुपए में भी दे रखी है। बोलो क्लियर हुआ? खरीदने का पैसा है 40 रुपए, बेचने का पैसा है 50 रुपए, पैसा अलग अलग है। अगर मैं क्वांटिटी को देखूं तो खरीदने की क्वांटिटी है 15, बेचने की क्वांटिटी है 30, ये भी अलग अलग है। और मुझे क्वेश्चन में निकालना है लाभ और हानि प्रतिशत। आप बताओ, प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन कब हो सकती है? प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन तभी हो सकती है जब या तो आपकी क्वांटिटी सेम हो या आपका पैसा सेम हो। बोलो क्लियर हुआ क्या? तो बेटा गौर से सुनिए, आप बताइए इस क्वेश्चन के अंदर, हमें एक काम करेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज सेम करना बेहद आसान रहेगा, तो क्वांटिटी को सेम करना बेहद आसान रहेगा। तो इस 15 को और इस 30 को मैं बना रहा हूं बराबर, तो आप बताइए 15 और 30 को बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलिए। तो आप कहेंगे 15 में गुणा 2 कर दीजिए, अगर क्वांटिटी को 2 गुणा करोगे तो यहां पर पैसों को भी डायरेक्ट 2 गुना ले लीजिए। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या चीज सेम कर दी बेटा? क्वांटिटी। आप सुनिए, डायरेक्ट आंसर कर रहा हूं, बात खत्म। क्वांटिटी को आपने सेम कर दिया, अगर क्वांटिटी को सेम कर दिया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए रुपए में। अगर क्वेश्चन को अगर रुपए में सॉल्व करेंगे तो आप बताइए खरीदा कितने रुपए में है? अगर क्वांटिटी को 2 गुना किया तो 40 का 2 गुना खरीदा कितने रुपए में बेटा? 80 रुपए में। अगर आपने खरीदा 80 रुपए में था और बेचा कितने रुपए में बेटा? 50 में। तो आप बताइए आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो आप कहेंगे 80 रुपए में खरीद कर अगर हमने वही क्वांटिटी 50 रुपए में बेची है तो मुझे 30 रुपए की हुई है हानि। कितने रुपए की हानि हुई है बेटा? 30 रुपए की। अगर 30 रुपए की हानि हुई है, अब देखो ये ब्लैंक आ रही होगी, तो देखिए भाई 30 रुपए की हानि हुई है और 30 रुपए की हानि बेटा रुपए में कैलकुलेशन किस पे होगी बेटा? बताइए सीपी पर। सीपी है कितना बेटा? 80। सीपी कितना है? 80। तो आप बताइए, आप बोलेंगे उसे 30 रुपए की हानि हुई कितने रुपए पर बेटा? 80 पर। तो बेटा बताइए 0 से 0 काटिए, आपका आंसर बनेगा -3/8। और आप बताइए, मैंने सारे स्टूडेंटों से बोला था 3/8 की परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए, 3/8 होता है 37.5%। अगर आपको नहीं है तो गुणा 100 कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 4 से काटेंगे 25 और 4 से काटेंगे 2 बेटा, ये आंसर आ जाएगा आपका 75/2%। और 75 का आधा कितना होता है बेटा? आपका आंसर 37.5%। बोलो क्लियर हुआ क्या? तो इसका मतलब आपको एक लॉस होगा और वो लॉस कितने परसेंट का होगा? 37.5%। कौन सा ऑप्शन राइट होगा बेटा? सी ऑप्शन। बोलिए क्लियर है ये क्वेश्चन? बोलिए सबको क्लियर है बेटा? आधे लोग कह रहे हैं ब्लैक स्क्रीन आ रही है। पहली बात तो एक काम करो, सबके सब स्टूडेंट दोबारा देख लो, मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को। आज वैसे मेरा मूड खराब हो गया पूरा, क्लास शेड्यूल से नहीं हुई पूरी। देखो यहाँ पर, अब यशवंत ने क्या किया बेटा, 40 रुपये में 15 की दर से खरीदा और 50 रुपये में 30 की दर से बेचा।
आप बताइए, पैसा भी खरीदने बेचने का डिफरेंट है, क्वांटिटी भी डिफरेंट है, और हमें परसेंटेज लाभ और हानि निकालनी है। अगर हमें परसेंटेज लाभ हानि निकालनी है तो बेहतरीन तरीका होता है या तो क्वांटिटी को सेम कर लो या पैसे को सेम कर लो। तो मैं क्वांटिटी को सेम कर ले रहा हूँ बेटा, ये यहाँ पर क्वांटिटी खरीदने की है 15, बेचने की क्वांटिटी है 30। अगर मैं इन दोनों को सेम करूँ तो कहाँ बराबर कर सकता हूँ, 30 पर। तो बेटा 15 को कितना गुना करना पड़ेगा, 2 गुना। अगर 15 को 2 गुना किया है तो पैसा भी 2 गुना हो जाएगा, तो 40 का 2 गुना कितना हो गया, 80। यानी खरीदा कितने रुपये में बेटा, 80 रुपये में, और बेचा कितने रुपये में आपने वही क्वांटिटी को, तो आप बोलेंगे बेचा है मैंने 50 रुपये में। अगर 80 रुपये की चीज़ 50 रुपये में गई तो कितने का लॉस हुआ बेटा, 30 रुपये का। और क्योंकि कैलकुलेशन रुपये में हो रही है तो लाभ हानि जो निकलेगा बेटा वो सीपी पर निकलेगा। तो आप बोलेंगे 30 रुपये का लॉस हुआ है, कितने रुपये पर बेटा, 80 पर। बेटा आप बताइए, 0 से 0 काटेंगे तो 3/8, 3/8 की परसेंटेज आपको रटी होनी चाहिए, दैट इज 37.5%। बोलो क्लियर हुआ क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 37.5% का लॉस। विच ऑप्शन इज राइट बेटा, सी ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ क्या, बोलो क्लियर हुआ क्या? हाँ बेटा, क्लास थोड़ा लेट से स्टार्ट हुई है, आई एम से सॉरी टू यू, मैं बाहर गया हुआ था थोड़ा, उसमें थोड़ा बिजी था, उसके कारण क्लास थोड़ी लेट हुई, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए। लेकिन मैंने क्लास को शेड्यूलिंग से थोड़ा 20 मिनट लेट किया है, लेकिन मैं इस क्लास को थोड़ा सा शेड्यूलिंग से ही 20 मिनट थोड़ा लेट लास्ट में कर दूंगा, तो प्रॉपर 1 घंटे की क्लास ही चलनी है, आप टेंशन ना लीजिए। अगर आप अभी जुड़े हैं तो आपको कोई हिडक नहीं होनी चाहिए, क्लास प्रॉपर चलेगी। प्लीज़ आप यहाँ पर देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी के सभी, डू इट फास्ट। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट, वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन, आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी के सभी प्लीज। नहीं बेटा, बात यह है कि मैं इसलिए बोल रहा हूं बेटा, आप सभी लोगों से इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आप लोग टाइम से आए, मैं टाइम से नहीं पहुंचा, जबकि मैंने ये कहा था कि मैं टाइम से आऊंगा, ठीक है, इसमें मेरी मिस्टेक है, इसलिए मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, मेरी गलती है तो है, हर कोई इंसान सही नहीं होता, ठीक है, मेरी गलती है, मैंने वो मिस्टेक मानी, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, आप फ्री पड़िए, ठीक है, मेरा थोड़ी देर में मूड ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कर करके आप आंसर बताइए जल्दी फास्ट बेटा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग गुड इवनिंग कर रहे हैं, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा, आंसर बताइए जल्दी फास्ट। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को समझना प्लीज, ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक तरह से एप्लीकेशन है परसेंटेज का, ठीक है। तो गौर से समझना, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को, वस्तु सिर्फ एक ही है बेटा, इस क्वेश्चन में वस्तु एक ही है, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को उसके मूल्य के 3/4 भाग पर खरीदा, 3/4 भाग पर खरीदा, इसका मतलब उसे, यानी कि वस्तु थी कितने की बेटा, 4 की, खरीदी कितने की बेटा उसने, 3 की। तो बेटा आप बताइए, अगर मैं व्यक्ति के अकॉर्डिंग सोचूं तो व्यक्ति के लिए प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूंगा, तो व्यक्ति के लिए सीपी, खरीदने और बेचने की बात करूंगा, व्यक्ति के लिए खरीदने और बेचने की बात करूंगा। बोलो क्लियर है? तो आप बताइए, पहली लाइन के अंदर, पहली लाइन के अंदर व्यक्ति ने वस्तु को 3/4 भाग में खरीदा, उसके मूल्य के 3/4 भाग में खरीदने का मतलब है वस्तु थी वास्तव में 4 की, लेकिन उसे पड़ी कितने की है बेटा, 3 की। तो उसने वस्तु को 3 रुपए में खरीदा है, लेकिन वो वस्तु बेची कितनी जानी चाहिए थी, 4 में। तो वस्तु खरीदी गई 3 में, लेकिन बेची जानी चाहिए थी वो 4 में। अब वो कह रहा है, यदि उसे उसी वस्तु को उसने 30% अधिक मूल्य पर बेचा, तो दूसरी लाइन कह रही है 30% अधिक, तो बेटा 30% अधिक का मतलब होता है 10% होता है 1/10, और 30% होता है 3 गुना 3/10। बोलो क्लियर हुआ? इसका मतलब उसने अगर वस्तु को 10 रुपए में खरीदा तो उसने 3 रुपए बढ़ाकर बेचे एक तरह से, यानी कितने रुपए में बेचा बेटा, 13 रुपए में। बोलो ये दोनों लाइन समझ आ गई क्या? बेटा ध्यान रखना, आधे स्टूडेंट यही गलती मारेंगे कि उसे वो 4 से 3 लिख देंगे, लेकिन इसको 4 से 3 नहीं लिखेंगे आप, 3/4 भाग में खरीदने का मतलब है कि वस्तु 4 रुपए की वास्तव में थी, लेकिन उसे वो पड़ी है 3 रुपए की। तो उसने खरीदा कितने रुपए में बेटा, 3 रुपए में, जबकि वो वस्तु बेची कितने में जानी चाहिए थी, 4 रुपए में। तो 4 रुपए वाली वस्तु को उसने 3 में खरीद लिया, और जब वो बेचने गया उसी वस्तु को, वस्तु सेम है इसके अंदर, तो उसे 30% का लाभ हुआ, 3/10, यानी वस्तु थी 10 की और उसे लाभ हुआ 3 का, मतलब बेची कितने में गई, 13 में। तो अगर आपको कभी भी टोटल निकालना हो तो आपको टोटल लाभ और हानि परसेंट बताना है। याद करिए, परसेंटेज में मैंने आपको क्या सिखाया था, जब आपका सक्सेसिव होता है तो आपको टोटल निकालने के लिए क्या कर देना होता है बेटा, मल्टीप्लाई। इसका मतलब खरीदने का टोटल मूल्य बनेगा 3 गुना 10, अगर हम कर दें तो ये बनेगा 30, और बेचने का मूल्य कितना बनेगा, 13 चौक 52। बोलो क्लियर हुआ क्या? यानी कि ओवरऑल अगर मैं इन दोनों बातों को मिलाकर एक साथ बोलना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि उस व्यक्ति ने उस वस्तु को
₹30 में खरीद कर ₹52 में बेचा है। अगर ₹30 में खरीद कर अगर ₹52 में बेचा है तो उसने लाभ कमाया है कितने रुपए का बेटा, ₹22 का। और ₹22 का लाभ अगर ना आप निकालोगे तो आप बताइए, रुपए में बात हमेशा सीपी पर निकलती है, तो ₹22 का लाभ हुआ उसे ₹30 पर और परसेंटेज के लिए गुणा कर देंगे 100, तो बेटा जीरो से जीरो काटेंगे तो नेट आंसर आएगा 220/3% का प्रॉफिट। और बेटा बता दिए, 3 से अगर हम काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 × 7 = 21, एक बचा 3×9 और एक बचा आंसर होगा 73 सही, 1/3% का प्रॉफिट। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एसएससी जीडी 2019। अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि आधे लोग इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक मारने वाले थे, 4 से 3 करते और यही आपकी गलत आंसर हो जाता। तो ध्यान रखना बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा ढंग से पढ़ना, 3/4 भाग पर खरीदी गई है, इसका मतलब वो वस्तु का ओरिजिनल प्राइस 4 था, लेकिन उसको खरीदने के लिए जब मूल्य की बात की गई तो वो ₹3 में खरीद लाया, इसका मतलब बेची जानी थी 4 में लेकिन उसे पड़ गई है वो 3 में। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक, वेरी गुड। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। बेटा कलर बोर्ड का वाइट कर लूँ, अगर कलर बोर्ड का वाइट कर दिया ना तो फिर आपको शायद मेरे हिसाब से दिक्कत आने वाली है, समझ रहे हो आप, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है बेटा। प्लीज़ इसमें मैं अपनी मर्जी नहीं चला रहा हूँ, सबकी विजिबिलिटी के कारण ऐसा मैं कर रहा हूँ, आँखों पर ज़्यादा रोशनी आ जाएगी, एकदम से देखा नहीं जाएगा आपसे वाइट। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी के सभी, टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन प्लीज ऑल ऑफ यू, बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी फास्ट आंसर बताएं आप सभी लोग, मेरे को इस बात का आंसर बताएं जल्दी फास्ट फास्ट, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए बेटा, प्लीज फास्ट ऑल ऑफ यू, इस क्वेश्चन को पढ़िए एंड टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन प्लीज, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए बेटा जल्दी फास्ट। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए आप, जल्दी फास्ट आंसर बताइए बेटा। चलिए भाई देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने का बेहतरीन तरीका बेटा, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए परसेंटेज में आपने क्वेश्चन किया था पास और फेल वाला, उसमें क्या करते थे हम, दो स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, आपसे बोला जाता था कि एक वस्तु को अगर सॉरी एक एक बच्चे ने अगर परीक्षा में 40% लेके आया और वो 16 अंकों से फेल हो गया तो -16, याद करिए 40% लेके आया और मैंने कहा वो 16 अंकों से कम रह गए उसके मार्क्स, 16 अंकों से फेल हो गया, और एक बंदे के 70% आए और वो पास हो गया 43 अंकों से, तो आप बताइए आप इन दोनों को फिक्स कर देते थे, और जब ये दोनों पॉइंट फिक्स हो जाते थे तो इनके बीच का गैप निकालते थे आप और ये गैप बराबर कर देते थे, ये क्वेश्चन वहां पर लैंग्वेज ये रहती थी, आज वही लैंग्वेज यहां पर ये सेट है, एक ही वस्तु है उसी की बात की जा रही है अलग अलग। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, गौर से सुनना क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, एक वस्तु है मान लीजिए, ठीक है, तो एक वस्तु अगर मान ली मैंने कि भाई मान लीजिए वो उसका सीपी जो है वो 100% है, थोड़ी देर के लिए समझना बेटा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपको, बिल्कुल समझाते हुए कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है, आपको वो भी नहीं आता तो बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा बहुत लैंग्वेज से ही, एक वस्तु मान लीजिए वो 100% पर खरीदी गई, ठीक है भाई, उसको वो कितने परसेंट लाभ पर बेचने की बात कर रहा है, 20% लाभ पर। बेटा आप बताइए 20% लाभ पे अगर बेचेगा तो नेट जो एसपी बनेगा वो 120% बनेगा, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, यानी कि उसे कितने पैसे मिलेंगे, पहले केस में उसे हमारे अकॉर्डिंग कितने पैसे मिलेंगे बेटा, 120%। लेकिन यदि वह इसे का मतलब दोबारा से उसी वस्तु की बात कर रहा है, यानी उसी 100% को बेचने की बात कर रहा है दोबारा से, तो उसी 100% को वो कितने परसेंट लाभ पर बेचने की बात कर रहा है, 25%। बेटा अगर वो उसी को 25% लाभ पर अगर बेचे तो 100% की वो थी, 25% ज्यादा कमाएगा, तो वास्तव में उसे कितने रुपए मिलने वाले हैं आज, 125%, तो यानी कि हो गया SP2। बेटा आप बताइए 20% से अगर 25% लाभ हुआ तो उसे रुपए भी फालतू मिले, तो हमारे अकॉर्डिंग उसे कितने फालतू मिले, पहले मिल रहे थे 120%, आज मिल रहे हैं 125%, तो कितने परसेंट फालतू मिल रहा है पैसा, 5%। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऐसा करने से उसे कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं बेटा, 35। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो ये 5% अधिक है, इसी 5% अधिक को ही क्वेश्चन में कितने के बराबर दर्शाया गया है, ₹35 के बराबर। बोलो क्लियर हुआ, अगर 5% 35 है तो कितने गुणा पर बात बैठी है बेटा, 7, यानी कि 1% 7 है, अगर 1% 7 है तो वो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, हमारे अकॉर्डिंग क्रय मूल्य कितना है बेटा, 100%। अगर 1% 7 है तो 100% 7 के हिसाब से कितना बनेगा बेटा, 700। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है बेटा वो 700 होने वाला है, विच ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन। बोलो आपको आसानी से समझ आया क्या बेटा, सभी को समझ आ गया क्या,
इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक एक को मैंने बिल्कुल आसान तरीके से समझाया, चेक कर लीजिए, आपको कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ते चलिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपने आप खत्म होता चलेगा, आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ने की जरूरत है। फिर मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ क्या क्वेश्चन है। एक वस्तु है, अगर एक वस्तु है तो उसका खरीदने का कोई ना कोई मूल्य रहा होगा, उसको मैंने कितने परसेंट मान लिया बेटा, 100%। गौर से सुन लेना, दो कंडीशन है, दोनों में सीपी क्या है बेटा, सेम। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें सीपी सेम होता है। तो एक वस्तु की दो अलग अलग कंडीशन में बात हो रही है, एक वस्तु का सीपी कितने परसेंट, 100%, उसको वो 20% लाभ पर बेचने की बात कर रहा है, तो 100 से 20% अधिक कमाएगा तो कितने परसेंट कमाएगा वो, 120%। अगर वो कह रहा है कि यदि वह इसे 25% लाभ पर बेचे, अगर वो उसी 100% को 25% ज्यादा कमाकर बेचेगा तो कितने परसेंट में बेचेगा, 125%। तो आप बताओ उसे पैसा ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? तो आप कहेंगे पहले 120% मिल रहा था, आज 125% मिल रहा है, तो उसे 5% फालतू मिल रहा है। और जबकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसे 5% फालतू नहीं, उसे 35 रुपए अधिक मिल रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन में सीधा सीधा 5% अधिक ही 35 रुपए के बराबर है। अगर 5% 35 रुपए के बराबर है तो 1% सीधा सीधा 7 है, अगर 1% सीधा सीधा 7 है तो क्रय मूल्य हमारे अकॉर्डिंग 100% है, तो 1% अगर 7 है तो 100% 700 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 700। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए भाई, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो अगले क्वेश्चन को करते हैं बेटा। प्लीज फास्ट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, प्लीज फास्ट। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन पहले है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराया है सेम क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना लास्ट में तुम मरोगे। अगर लास्ट में किसी ने अपनी लैंग्वेज को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से नहीं पढ़ा, वो यहां गलती कर बैठेगा बड़ी खतरनाक सी। कुछ इंटेलिजेंट ऐसे होंगे जो ये कहेंगे भाई मूल्य दो गुना हो रहा है, अगर मूल्य दो गुने पे बेचोगे तो सिंपल ज्यादा 100% लाभ होगा, और यही बात एग्जामिनर ने सी ऑप्शन में बिठा रखी है 100%। बस ये बात ध्यान रखना, थोड़ा सोच समझ के कर देना, क्वेश्चन बेहद आसान है। चलिए भाई ध्यान रख लेना किस पर पूछा गया है, आपको लाभ परसेंट निकालना है क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग पुराने वाले विक्रय मूल्य पर। बस इस बात को थोड़ा ढंग से पढ़ लो, नहीं तो गलती कर बैठोगे बड़ी खतरनाक सी। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु है, उसे निश्चित मूल्य पर बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है। आप बताइए अगर 20% का लाभ हो रहा है तो 20% लाभ का मतलब सीधा सीधा आप बताइए खरीदने की बात और बेचने की बात सेट करेंगे, तो आप बताइए 20% होता है 1/5, यानी 5 रुपए की चीज पर उसने 1 रुपए का लाभ कमाया, मतलब वस्तु कितने की बेच दी उसने, 6 की। बोलो क्लियर हुआ? लेकिन अब ये कह रहा है कि यदि वह उसी वस्तु को, इसी वस्तु को, 5 रुपए वाली वस्तु को अगर क्रय मूल्य के दुगने दाम पर बेचे, तो 5 की वस्तु को अगर 10 पर बेचे, तो आप बताइए उसे लाभ होगा या हानि होगी? लाभ कितने रुपए का, 5 रुपए की जगह पर अगर 10 रुपए में बेची तो 5 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन उसने आज ये कहा है कि ये जो लाभ हो रहा है इसका परसेंटेज बताइए, लेकिन परसेंटेज बताइए पहले वाले विक्रय मूल्य मतलब 6 रुपए पर। बोलो क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ बेटा? पुराने विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ क्या होगा? चलिए भाई देखो, अब आइए भाई गौर से सुनना बेटा, मैं इस लैंग्वेज को मैं करेक्ट नहीं कर पा रहा, एक मिनट रुको। तो आप बताइए वो ये कह रहा है कि एक वस्तु को उसने पुराने वाले मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हुआ, इसका मतलब 5 की वस्तु को 1 के अलावा को आगे 6 की बेची। यदि वह इसे क्रय मूल्य के दोगुने दाम पर बेचता, तो क्रय मूल्य के दोगुने दाम पर बेचेगा तो उसे लाभ 5 रुपए का होगा, लेकिन पुराने विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ, तो पुराने विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ निकालना है, तो कंपैरिजन ये नहीं करना, आपको कंपैरिजन विक्रय मूल्यों का करना है। तो आप बताइए अगर विक्रय मूल्यों का अगर मैं कंपैरिजन करूं
तो आप बताइए 6 रुपए की चीज अगर 10 रुपए में जा रही है तो कितने का लाभ कमा रहा है बेटा, एक तरह से 4 रुपए और मिल रहे हैं। अरे पहले वाले विक्रय मूल्य के रिलेटिव में देखो, और 4 रुपए किस पर अधिक मिल रहे हैं बेटा, 6 पर। तो आपको ये वाली परसेंटेज पूछ रहा है, तो 4 अधिक मिल रहे हैं कितने पर, 6 पर, और काटेंगे तो बेटा ये बनेगा आपका 2/3। आप बताओ 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%, और 2 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 66 सही 2/3%। बोलो क्लियर हुआ क्या, समझ आया क्या बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। जबकि एक बार वो खोपड़ी घूम सकती है आपकी, मेरी भी घूम गई थी 5 से 10, तो 5 का लाभ, और मैं समझ रहा था ये वाला लाभ उसने पूछा है विक्रय पर, लेकिन उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि पुराने वाले विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ बताओ, यानी पुराने वाले विक्रय मूल्य से कितना अधिक मिल रहा है। लाभ का मतलब है यहां पर अधिक से, तो 6 रुपए पहले थे और आज वो 10 रुपए हो गए, तो कितने रुपए बढ़ गए बेटा, 4 रुपए, और 4 रुपए किस पर बढ़ गए बेटा, 6 पर। अरे क्लियर हुआ, तो यही रेशियो कितना बन गया, 2/3, और 2/3 कितने परसेंट होता है, 66 सही 2/3%। बोलो क्लियर हुआ क्या, वेरी गुड। यहां पे मैक्सिमम लोगों का आंसर गलत होगा। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी फास्ट, टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन बेटा प्लीज फास्ट, सबके सब आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। हेलो, चलिए आवाज आ रही है, अब गौर से सुनिए बेटा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, दिल की हार्दिक इच्छा ये थी कि 20% लाभ पर बेचूं, यानी 100% की चीज को 20% कमा कर बेचूं, मतलब 120% में बेचूं। लेकिन आदमी ने क्या किया कि उसी आदमी ने उसी वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया। अगर 20% हानि पर बेच दिया मतलब 100% से 20% कम कमा कर बेचा, मतलब 80% में बेच दिया, और वही 80% में बेचने पर उसका विक्रय मूल्य कितना बनता है, 480। इसका मतलब इस क्वेश्चन में सीधा सीधा जो विक्रय मूल्य इस क्वेश्चन में 480 दे रखा है, अगर मैं उसकी परसेंटेज से उसे कंपेयर करूं तो ये अकॉर्डिंग टू परसेंटेज 80% दिखाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, अगर मैं 80 से डायरेक्ट काट दूं तो भैया आप बताइए 1% सीधा सीधा मेरे पास कितने के बराबर आ जाएगा बेटा, तो 0 से 0 8 6 48 6 रुपए के बराबर आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब क्वेश्चन कह रहा है आवश्यक लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि पहले जो 20% लाभ कमाना चाहता था, मतलब 100% की चीज को 20% अधिक में बेचना चाहता था, मतलब कितने परसेंट बेचना चाहता था, 120% में, तो आप बताइए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए था, एसपी निकालना है। तो आप बताओ 120% की अगर वैल्यू निकालनी है तो 1% अगर आपका 6 के बराबर है तो इस 1% को अगर 120 बनाना है तो गुणा 120 करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ गुणा 120 कर दो तो 12/6 आपका डायरेक्ट आंसर आएगा 720 रुपए। बोलो क्लियर हुआ क्या, तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट होगा 720। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा, सी ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ क्या, बोलो क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, सर समझ में आई बात। देखो फिर दोबारा कैमरे में दिक्कत आई, अब सही है। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी फास्ट फास्ट, ये बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। सभी के सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताएं और सुन लीजिए, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका।
अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि इसके अंदर सीपी भी बदल रहा है और इसके अंदर एसपी भी बदलने की बात हो रही है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप में से देखता हूं मैं, अब मैं ये देख रहा हूं कि कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, और ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। आप बताइए आंसर, एसएससी जीडी 2019 आंसर बताइए जल्दी फास्ट, सभी से मेरे को आंसर चाहिए जल्दी फास्ट। अब मैं देख रहा हूं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। अरे बेटा 600 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में 600 निकालने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मैं कमेंट देख रहा हूं, एक कह रहा है 600 निकाल लो, 600 निकालने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा 80%, अगर 480 तो 1% कितना है आपका 6, 1% अगर 6 तो 120 गुना करने पर वार्षिक की 720 हो जाएगा। काय को सीपीपीबी के चक्कर में पड़ रहे हो, सीधे एसपी से एसपी निकाल लो। बताइए आंसर, कुछ लोगों का आंसर आना स्टार्ट हुआ, मैं देख रहा हूं ए बी ए, अभी तक तीन ही लोग हैं ऐसे जो कर पाए हैं, और मैं कह रहा हूं टेट वाले स्टूडेंट हो, चाहे जीडी वाले स्टूडेंट हो, चाहे आपके सीजीएल वाले स्टूडेंट हो, एक काम करना, जाके इस क्वेश्चन की लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को सर्च करना, ये तीनों ही जिनके मैंने नाम लिए एग्जाम, तीनों ही एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे ऐसे ऐसे। बताइए भैया आंसर, करें स्टार्ट, तो गौर से सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 26% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है, तो 26% लाभ का मतलब गौर से सुनना भाई साहब। अब यहां देख लो सबके सब, जिन्होंने कर लिया ठीक है, तो खरीदने की बात कर रहा हूं और मैं बेचने की बात कर रहा हूं, गौर से सुनना भाई। तो मैंने ये कहा कि एक व्यक्ति अगर 26% लाभ पर घड़ी को बेचता है, इसका मतलब मैंने कहा कि अगर उसने 100% में घड़ी खरीदी होगी तो उसने उसको 26% लाभ पर बेचने की सोची होगी, इसका मतलब वो उसे कितने परसेंट पर बेचना चाह रहा होगा, 126% पर। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, मैं लाइन टू लाइन क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नो नीड टू हैव द एक्स्ट्रा नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ ओनली टू रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली फ्रॉम लाइन टू लाइन। अगर आप क्वेश्चन को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो शायद चीजें मेरे हिसाब से आपको अच्छे से बेहतर से क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत आसान से सॉल्यूशन बता रहा हूं। यहां पे देखें आप, एक व्यक्ति ने 26% के लाभ पर एक घड़ी को बेचना चाहता है, इसका मतलब उसकी दिल की हार्दिक इच्छा है कि अगर मैं 100% पर अगर वस्तु खरीद के लाऊं तो उसे 26% फालतू में बेचूं, मतलब 126% में बेचूं। अब ये कह रहा है यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता होता, अगर वो भाई साहब 20% कम मूल्य पर खरीदने की बात कर रहा है, इसका मतलब खरीदने वाले मूल्य को वो 20% कम करना चाह रहा है। अगर 100% पर अगर 20% कम करोगे, इसका मतलब वो उसे कितने परसेंट में खरीदना चाह रहा है, 80% में। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? और यदि वह उसे 81.6 रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे बेटा, 81.6 रुपए में बेचे, यहां पे कम होना चाहिए, तो उसे 32% का लाभ होता है। उसे लाभ कितने का हो रहा है बेटा, बताइए 32% का। फाइनली वो जितने मूल्य पर भी बेच रहा है उसे 32% का लाभ हो रहा है। 32% लाभ किसका निकालोगे बेटा, 80 का, तो डायरेक्ट गुणा करो 0, 8 दुनी 16 और 8 3 24, 24 और 1 25, अरे क्लियर है, और 2 के बाद पॉइंट लगा दो, इसका मतलब 25.6 रुपए ज्यादा में बेचना चाह रहा है वो इतने परसेंट, तो 80 में अगर ये जोड़ोगे तो 0.60 तो आ ही जाएगा। जल्दी बताओ, अगर इसमें ये लाभ जोड़ोगे तो फाइनली जो एसपी बनेगा बेटा वो कितना बनेगा आपका, 0.60% तो ये बनेगा ही बनेगा जोड़ने पर, और इसे जोड़ेंगे तो बेटा कितना बनेगा, 105। बोलो क्लियर है? तो आप बताइए अगर वो 105 पॉइंट इतने परसेंट पर बेच रहा था बाद में, तो पहले कितने बेच रहा था बेटा बताइए, 126% में, लेकिन आज कितने बेच रहा है बेटा वो 105.60 में, तो बताइए कम है या ज्यादा है, कम है, कितना कम है बस ये बता दीजिए। तो 100 में से अगर 60 जाएगा तो 0.40 बचेगा, अरे बचेगा या नहीं बचेगा, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। आप बताइए यहाँ पे 125 बचा, 125 100 से 100 हटा दो, 25 में से 5 गए तो कितने बचे बेटा, 20, यानी 20.4% कम में बेच रहा है। आप बताइए 20.4% कम में बेच रहा है, या क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि वो कितने रुपए कम में बेचना चाह रहा होगा, एक तरह से 81.6, तो यानी 20.4 की ही वैल्यू क्वेश्चन में किसके बराबर है बेटा, 81.6 रुपए के बराबर। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो क्लियर है? आप बताइए बेटा ये कितने गुना पर बात बैठी है, तो अब बहुत बेहतरीन तरीका, 4 को अगर 6 बना रहे हो तो 4 गुना करना पड़ेगा, अरे बोलो यार
चार गुना करना पड़ेगा ना, चार चौक 16, देखो ये हो गया, और चार दुनी 8, इसका मतलब इस लैंग्वेज में थोड़ी सी कमी थी कि 81.6 रुपए कम में बेचा होता, यहाँ पे लिखा नहीं है, ये लैंग्वेज की मिस्टेक है। अरे क्लियर है या नहीं है? तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि 81.6 रुपए कम में बेचा। ये फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने पकड़ ली बात। किस बात से पकड़ी मैंने ये बात कि 80% पर 32% लाभ होना ही है। मैंने जब इसे जोड़ा तो पता चला उसका जो फाइनल एसपी बनाएगा वो इतना परसेंट बनेगा, जबकि पहले एसपी इतना था, तो ये कमी हो रहा था। इसका मतलब ये है कि वो पैसा जो भी दे रखा वो एसपी के कम होने का पैसा है। तो एसपी के कम होने की परसेंटेज थी 20.4 और इसे बनाना था 81.6, तो 4 को अगर 6 बनाना है तो 4 गुना करना पड़ेगा, तो 4 चौक 16 का 16 ये है, 4 दुनी 8 है ही। आप बताइए, 2 के बाद पॉइंट था, पॉइंट रह गया सिर्फ 1 के बाद, तो आप बताइए गुणा कितना बाद बैठेगी ये बता दीजिए। तो आप बताइए 40 चार अच्छा पॉइंट भी तो हटना है, एक मिनट रुको बेटा, बताइए कितने गुणा पर बात बैठेगी बेटा, 4, तो 4 गुणा पर बात बैठेगी क्योंकि परसेंटेज भी तो है एक तरह से। आप बताओ 100% की वैल्यू निकालनी है तो 1% की वैल्यू ये होगी। अरे क्लियर हुआ? तो आप बताइए बेटा ये कितना आ गया आपका, 100% की वैल्यू को अगर करना है तो गुणा 4 कर दीजिए, तो ये आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 400। तो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज सी। बोलो क्लियर हुआ क्या बेटा? इसका आंसर सी है। कितने बच्चों का आंसर सी आया देख लो, देखिए फिर दोबारा बात बता रहा हूं, गौर से समझना। ये क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्लीज गौर से सुनना, मैं इसे एक बार और डिस्कस कर रहा हूं। शायद फिर से ब्लैंक हो गई स्क्रीन, एक बार को फिर से ब्लैंक हुई, अब आ गई, ठीक है। देखो मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ, समझना आराम से, और फिर इस क्वेश्चन को मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा ऐसा, जिस क्वेश्चन को आप ट्राई करके फिर दोबारा आंसर बताएंगे, ठीक है? तो गौर से सुनना। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 26% लाभ पर बेचने की ठानी, मतलब 100% की वस्तु मैंने मानी कि 100% में खरीदी, 26% अधिक पर बेचना चाह रहा है, मतलब 126% में बेचना चाह रहा है। अब वो कह रहा है कि अगर वो उसे 20% कम मूल्य पर खरीदता, यानी खरीदने का मूल्य है 100%, उसे 20% कम पर खरीदता, मतलब कितने में खरीदना चाहता वो उसे, 80% में खरीदना चाहता, तब उसे और इतने रुपए कम में बेचता तो उसे 32% लाभ होता। तो 32% किस पर निकालते, 80, तो 80 का 32% कितना आ रहा है, 25.6। अगर इसे इसमें जोड़ दिया जाए तो ये बनेगा 105.6%। 105.6% 126% से कम है, कितना कम है ये, 20.4%। अगर 20.4% जो कम है वही का पैसा कम कितने के बराबर दे रखा है, 81.6। अगर आप बताइए इसको अगर डायरेक्टली आपको ये बनाना है तो बताओ 4 का 4 गुना हो गया 16 और 4 दुनी 8, यानी कितने गुना पर बात बैठी है बेटा, 4 गुना पर। बोलो क्लियर हुआ? आप ये भी कह सकते हैं कि एक जीरो को हटा दूं तो एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, सेट है सीधा, यानी कि 1% की वैल्यू सीधी सीधी 4 है। अगर 1% 4 है तो 100% कितना हो जाएगा, 400। और आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा था, क्रय मूल्य सीधा सीधा 400। बोलो क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। गुरुजी प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम। चलिए भाई ऐसा एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, ऐसा एक क्वेश्चन और देता हूं, है क्या है कोई ऐसा एक क्वेश्चन? वेरी गुड बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सेम क्वेश्चन है, अब मैं देखता हूं कितने लोग आंसर करेंगे इसका। जल्दी फास्ट, कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे, बस मैं यही चाह रहा हूं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ी लैंग्वेज अलग है बस। अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। जितेंद्र अग्रवाल सर, बेटा मैं समझ गया, जितेंद्र आप लक्ष्मीनगर से हो, एंड गुड इवनिंग टू यू, ठीक है बेटा मैं समझ गया, थैंक यू बेटा। सर दोबारा बता दो। हाँ बेटा, ये कैमरे को कभी कभी नजर लग जाती है ना बीच बीच में, क्या होता है वो कैमरे को बीच बीच में नजर लगती रहती है, यहाँ कोई आत्मा है इस रूम में, है ना, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसमें सामने बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, ऑफलाइन में जो बच्चे आते हैं वो बैठे हुए हैं सामने क्लास में। अब उनसे पूछ लेना कि मतलब क्या है, कि ऐसा क्या है इस कैमरे के अंदर जो मतलब ऐसा हो जाता है, वो बता देंगे। बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे सामने, है ना। बताइए सेम क्वेश्चन है, आंसर बताइए आप इस क्वेश्चन का, प्लीज फास्ट। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू।
सिर्फ लैंग्वेज का क्वेश्चन है, जिसने एक्स्ट्रा नॉलेज लाने की कोशिश की, सुन लो भाई, जीडी वाले सुन लो, कॉन्स्टेबल वाले सुन लो, सीजीएल वाले सुन लो, टेट वाले सुन लो, तुमने अगर बेफालतू की बुद्धि यूज की तो शायद तुम फंसोगे। और तुमने एक बार को ये सोच लिया कि नहीं हमें प्रॉफिट लॉस नहीं आता, हमें लैंग्वेज पढ़ना आता है, लैंग्वेज को समझोगे, क्वेश्चन आराम से ले जाओगे करके। तो देखिए भाई, करें स्टार्ट बेटा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 84% है, तो आप बताइए, क्रय मूल्य मतलब खरीदने की बात और विक्रय मूल्य मतलब बेचने की बात, बोलो क्लियर है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो बेचने का मूल्य है वो खरीदने वाले मूल्य का 84% है, तो खरीदने का मूल्य अगर 100% है मेरे अकॉर्डिंग, तो भाई साहब गारंटेड सी बात है कि बेचने का मूल्य कितना रहा होगा बेटा, दैट इज 84%, क्योंकि उसका 84% है डायरेक्ट, बोलो क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि वह क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दे, बेटा आपको क्रय मूल्य को 20% बढ़ाना है, आपको कुछ भी एक्सटर्नल नॉलेज नहीं लगानी, आप बताओ इस 100% को 20% बढ़ाने की बात कर रहा है, अगर 100% में अगर 20% बढ़ाओगे तो फाइनल क्रय मूल्य कितना बन जाएगा, 120%। आपने कहा सर बिल्कुल सही है। अब आप बताइए नेक्स्ट, आप बताओ वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगली लाइन में क्या कह रहा है, अगली लाइन में कह रहा है यदि वह क्रय मूल्य को 20% बढ़ा दे, बढ़ा दिया, यदि वह विक्रय मूल्य को 25% बढ़ा दे, बेटा विक्रय मूल्य जो भी है 84%, इसको 25% बढ़ाने की बात कर रहा है, 25% माने 1/4, मोटा मोटा हिसाब है, तो 1/4 किसका निकाला हुआ है 84 का, तो 4 से अगर 84 काटोगे तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू जो निकलेगी वो एक तरह से कितनी निकलेगी, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 21%। तो भैया 84 का 25% जो होता है ना भैया, वो सीधा सीधा कितना होता है बेटा, बताइए 21%। अरे क्लियर हुआ, बताइए दोबारा, हेलो, विक्रय मूल्य को कितने परसेंट बढ़ाने की बात कर रहा है, 25% माने 1/4, 1/4 किसका, 84% का, तो 84% का 1/4 कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपका सीधा सीधा 21%। तो अगर आप इसे 21% बढ़ाओगे तो ये कितना बन जाएगा बेटा, 4 × 5 = 105%, बोलो क्लियर हुआ क्या। तो अब आप बताइए बेटा, यानी कि आज की अगर बात करूं, वर्तमान में पूछ रहा है कि पहले के मुकाबले हानि आज कितने परसेंट कम वृद्धि हुई या कमी हुई, तो आप बताइए कमी हुई या वृद्धि हुई पहले के मुकाबले में, तो अब आप बताइए बेटा आज जो है बेटा ये हानि कितने की हो रही है, तो आप 120 की थी 105 रहेगी, तो 15% की हानि हुई, 15% कम होगी ना, अरे बोलिए यार, जबकि पहले कितने परसेंट हानि थी बेटा, आप बताइए, दैट इज 16, अरे कितने परसेंट थी बेटा, 16। तो आप बताइए आज हानि घटी या बढ़ी, तो आप बताओ 16% से अगर 15% ही हानि रहेगी तो हानि तो बढ़ गई ना एक तरह से, घट गई, अरे बोलिए यार। तो इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि इन दोनों के रिलेटिव में हानि घटी या बढ़ी, तो 16% से अगर आपकी 15% रहेगी तो 1% घट गई, और 1% कितने पे घट गई बेटा, 16, तो 1/16 की परसेंटेज आपको याद होगी, दैट इज 6 सही 1/4%। तो इसका मतलब यह है कि पहले के मुकाबले में इस आज हानि घटी है 6 से 1/4%, तो 6 से 1/4% कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए, डी ऑप्शन, देख लो भाई बेहतरीन तरीके से। समझ में आया क्वेश्चन बेटा, समझ में आया सभी को, जल्दी टाइप करके बताइए, क्या मैं इसे रिपीट करूं या दोबारा समझाऊं या आगे बढ़ूं, एक बार फिर बताइए। आज आपको क्वेश्चन में यह पूछा जाना था, आधे लोग बस मिस्टेक इसी बात की करते हैं, कुछ लोगों ने आप ये समझा होगा कि आपको फाइनल ये बताना है कि जो भी हानि हो रही है वो क्रय मूल्य का कितने परसेंट है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा आपसे, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले की हानि के मुकाबले में जो प्रेजेंट में हानि है वो कितने परसेंट अधिक या कम है। तो भाई पहले हानि हो रही थी 16% की, लेकिन आज हानि हो रही है सिर्फ 15% की, आज हानि कितने की हो रही है, 15% की, तो इसके अलावा हानि कम हो रही है, कितनी कम हो रही है, 1%, और 1% कम कितने पर हो रही है बेटा, एक तरह से 16 पर, एक कम तो 16 पे हो रही है ना, तो 1/16, 1/16 की परसेंटेज क्या होती है, सीधी सीधी 6 से 1/4%। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे याद है, तो एक बात बताओ 1/8 की परसेंटेज तो याद है ना, 12.5%, आप बताओ 1/8 का अगर आधा करेंगे तो गारंटेड 1/16 होगा, तो इसका आधा करके देखो 12 का आधा कितना हो गया 6, और आधे का आधा कितना हो गया 1/4, आंसर इज ओवर, ये रटी होनी चाहिए आपको भाई साहब, ये आपको रटी होनी चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं परसेंटेज पर ज्यादा ध्यान दो। वाह वेरी गुड, सेम क्वेश्चन जब मैं कह भी रहा था, लो भैया करके बताओ, सबके सब एसएससी हो चाहे कोई भी हो, आंसर बताओ जल्दी फास्ट, 105 समझ नहीं आया कहां गया,
105 समझ नहीं आया बेटा, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, गौर से सुन लो। 100% में खरीदा था मान लो पहले, 84% में बेच रहा था, क्रय मूल्य बढ़ा 20%, तो 100 पर 20% बढ़ाओगे 120% आएगा, ये तो सबको क्लियर हो गया होगा। आप बताओ, वो कह रहा है विक्रय मूल्य 25% बढ़ रहा है, 25% होता है रेशियो में 1/4, तो 1/4 किसका निकालोगे, 84 का, 84 का 1/4 21% आएगा, तो 84 में 21% अगर बढ़ाओगे तो 105% आएगा, और अगर ये 105% है तो 105% 120 से कितने परसेंट कम है, 15%, यानी कि आज हानि सिर्फ 15% रह गई, जबकि पहले हानि थी 16%, तो हानि 1% घट गई, किस पर घट गई, 16 पर, एक की कमी 16 पर, आंसर कितना आ गया, 6 से 1/4%। अब तो क्लियर हो गया होगा, आंसर बताओ, आंसर बताओ, रिपीट कर दिया बेटा मैंने, बेटा रिपीट कर दिया मैंने, आंसर बताओ ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एक करा चुका हूं, तीनों के तीनों डिपार्टमेंट, जो बच्चा तीनों डिपार्टमेंट में से किसी भी नॉन टेक के एग्जाम का हो, मैं ऐसा एक क्वेश्चन अभी करा चुका हूं, और अब इस क्वेश्चन का मुझे सभी से आंसर चाहिए, प्लीज फास्ट। मैं चाहूंगा आप इस क्वेश्चन का आंसर पक्का करें जल्दी, फास्ट फास्ट, और फिर मुझे इसके बाद दो इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने हैं, सारे के सारे एग्जाम में वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना, वो दो टाइप और करा के और क्लास हो जाएगी आपकी एंड, और प्रॉफिट लॉस भी हो जाएगा आपका एंड। बोलो क्लियर है, आ गया भाई, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे हैं ना आराम से सीरियसली का आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर तीनों में से अगर किसी ने भी कर लिया ना, तीनों सेक्शन के बच्चों में से किसी भी बच्चे ने सॉल्व कर लिया ना, आप ये समझो कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% भाई साहब आने की संभावना होती है, और ये हर किसी एग्जाम में आता है, इसको हाई लेवल मत समझना, इसको लो लेवल मत समझना, सिर्फ इसको एग्जाम का क्वेश्चन समझना, एग्जाम में आ भी चुका है और मैं हर एग्जाम में दिखा भी सकता हूँ ये क्वेश्चन। चलिए भाई, कर लिया होगा प्लीज, अब मैं इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जल्दी जल्दी करूंगा। अनु ने किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचती है, अगर 25% लाभ पर बेचती है मतलब 100% में अगर वो खरीदती है और उसे वो 25% लाभ पर बेचती है, इसका मतलब उसके बेचने का जो मूल्य होगा वो 125% होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, यदि वह उसे 25% कम मूल्य पर खरीदती, तो खरीदने वाले मूल्य को वो 25% कम करना चाह रही है, अगर खरीदने वाले मूल्य को 25% कम करेगी तो 100% से 25% कम करोगे तो 75% ही रह जाएगा। अब बिल्कुल सही बात है। तथा वह इसे 30.25 रुपए कम में बेचे, तो ये जो एसपी है इसको कम करने की बात कह रहा है, वो इसको कम करने की बात कह रहा है भाई साहब, कितना कम में बेचने की बात कर रहा है ये, 30.25 रुपए कम में बेचे, तो अगर ये भी घटेगा तो यहां पे भी कुछ आएगा, लेकिन जब ये खरीदने का मूल्य को बेचने वाले मूल्य से कंपेयर किया गया तो पता चला उसे 30% का फायदा हुआ। तो बेटा बताइए 30% निकालना है तो 30% फायदा हुआ, तो 30% कितना होता है, 3/10 एक तरह से, तो 3/10 किसका निकालोगे बेटा, 75% का। अरे बोलो यार, तो तीनों गुणा कर दो, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 और 1 = 22, और 10 से भाग करोगे तो 71 लग जाएगा। तो एक तरह से अगर उसे 75 पर 30% प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हुआ 22.5 का, तो ये और जोड़ दो तो ये बन जाएगा एसपी फाइनली 0.5, और 75 और 22 5 × 2 = 7, 7 × 2 = 9, 97.5। बोलो क्लियर हुआ। तो पहले आप बताइए, पहले ये बेच कितने में रहा था, 125% में, आज कितने में बेच रहा है, 97.5 में, तो आप बताइए कितना कम है बेटा, तो एक आंसर ले लो, 10 में से 0.5 गए तो 0.5 कम है, ये बचा 124, 124 और इन दोनों में अंतर करो तो इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, सीधा सीधा तो कितना बचेगा बेटा, 7 बचेगा। अरे बोलो क्लियर है। और ये 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, तो 27.5% कम की बात कर रहा है, और 27.5 के कम की ही वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 30.25, और किसके बराबर है बेटा, 30.25। तो बेटा बताइए 27.25 की वैल्यू अगर 30.25 दे रखी है और आपको मूल मूल्य निकालना है, तो बेटा बताइए गुणा कितना बैठी है बेटा बात, तो गुणा देखते हैं। तो बेटा बताइए अगर मैं पॉइंट का पॉइंट यहां से हटा दूं, तो आप बताइए यहां पर एक जीरो आ जाएगी एक तरह से, क्योंकि यहां 2 के बाद पॉइंट है, यहां 1 के बाद पॉइंट है। अरे बोलिए यार, बात समझ में आ रही है,
तो बेटा गुणा कितने में बैठी है बेटा बात, तो इसका आधा कितना हो गया 25, और इसका आधा नहीं 1.5, 27.5। ये गुणा ही सेट नहीं हो रहा, कुछ गलती हुई क्या बेटा? एक काम करो, इसे वैसे करके देखो, 11 से कट रहा है, 3 और 2 5, 11 दुनी 22, और 11 पंजे 55, 11 दुनी 22, 8 बचा, 11 सत्तर 77, और 11 पंजे 55। बोलो क्लियर हुआ? हाँ, 25 से गुणा आ जाएगा, 25 एकम 25 और 25 एकम 25। बोलो क्लियर हुआ? तो इसका मतलब कितने गुणा बर्बाद बैठी है बेटा? 11। बोलो क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पर 10 भी था, तो 10 को भी खत्म करेंगे बेटा, ये जीरो भी तो है एक तरह से, तो एक क्या पॉइंटर लग जाएगा, तो एक कितने गुणा बर्बाद बैठी है बेटा? 1.1। और 1.1 की वैल्यू को अगर मैं 100 से गुणा कर दूं, तो 1.1 को अगर 100 से गुणा करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 110। तो कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा? ए ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ क्या? हाँ, ये 1.1 पर सेट हो रही थी, बिल्कुल सही बात है। तो आप बताइए क्या आपको समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? चलिए अब मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, अब गौर से सुनना बेटा। दो इंपॉर्टेंट केस मैंने बोला, अब मैं वो दो इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूं, गौर से सुनिए। देखिए क्वेश्चन आता है टोटल प्रॉफिट और लॉस निकालने का, टोटल प्रॉफिट और लॉस निकालने का, सुन लेना भाई। अब पहले थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट सुन लो सबके सब, रुक कर अब थोड़ा दो बात कर लो, क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा उड़ा के सॉल्व करके देख लेना, बात खत्म। पहले मैं कुछ बता दे रहा हूं, गौर से सुनिए। टोटल प्रॉफिट और लॉस निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन टोटल प्रॉफिट और लॉस निकालने वाले क्वेश्चन दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, वो को दो कंडीशन कौन कौन सी है सुनिए भाई। पहली कंडीशन ये होती है कि आपको सभी वस्तुओं का सीपी सेम दिया जाएगा। सीपी क्या रहेगा बेटा? सभी वस्तुओं का सेम। मान लीजिए बहुत सारी वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं को आपने समान मूल्य पर खरीद लिया, लेकिन आपने उन सबको अलग अलग मूल्य पर बेचा। जब आपने अलग अलग मूल्य पर बेचा तो आप पर आप बताइए अलग अलग वस्तु पर अलग अलग प्रॉफिट और लॉस होगा, और जब सबका मिला के अगर मैं निकालूंगा तो टोटल प्रॉफिट और लॉस कुछ ना कुछ आएगा, वही आपको निकालना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। पहले ढंग से सुन लेना, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन एक सेकंड में खत्म करूंगा मैं। अरे क्लियर है? तो पहली कंडीशन आती है कि बहुत सारी जो वस्तुएं हैं उन सभी का सीपी तो हो सेम, लेकिन एसपी हो डिफरेंट। एसपी क्या हो बेटा? डिफरेंट, यानी कि क्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य अलग अलग हो, सबका अलग अलग लाभ और हानि परसेंट पता हो, और हमें टोटल मिलाकर सबका लाभ और हानि परसेंट निकालना हो, तो क्या करेंगे? गौर से सुनिए। बोलो क्लियर है? तो यहां देखिए भाई, बेटा मैंने माना कि मेरे पास मान लीजिए पहले दो वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं बेटा? दो। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये टोटल बनेगा, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं, यहां देख लो एक बात। आप बताइए, हेलो बेटा यहां पर देखना, आप बताइए, मैंने कहा कि भाई पहली वस्तु को मैंने 20% लाभ पर बेचा, दूसरी वस्तु को मैंने मान लीजिए 16% लाभ पर बेचा, तो मुझे निकालना है कि दूसरी टोटल मिलाकर उसे कितने परसेंट लाभ या हानि हुई होगी यदि उनका सीपी क्या है बेटा? सेम। तो आप बताइए, ये तो मेरा प्रॉफिट और लॉस परसेंट दे रखा है, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करनी है तो रुपए के टर्म्स में हमेशा होती किस पर है कैलकुलेशन? सीपी पर। और सीपी क्या बोल रखा है बेटा? सेम। और पूरी मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज सेम है तो उनका रेशियो जो रहेगा वो हमेशा रहेगा 1:1। अरे बोलिए यार, तो क्या मैं कह सकता हूं अगर दोनों वस्तुओं का सीपी सेम है तो गारंटेड और गारंटेड आपका रेशियो रहेगा 1:1, तो टोटल जो रहेगा सीपी वो कितना रहेगा? 2। याद करिए परसेंटेज की क्लास, जब भी ए प्लस बी वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि आपको इंडिविजुअल अलग अलग का परसेंटेज चेंज दे रखा हो और आपको वैल्यू पता हो और परसेंटेज चेंज निकालना हो तो कुछ मत करो, जिसका निकालना हो उसे एक्स परसेंट मान लो। अरे बोलो यार, और आप बताइए टोटल अगर मुझे निकालना है तो आप जल्दी बताइए बेटा, टोटल चेंज बराबर टोटल चेंज कर दो तो 20% किसका? एक का, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे 20% ही आएगा। 16% किसका? एक का, तो ये हमेशा 16% ही आएगा, और यही बराबर होगा 2x% होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सही है, तो बताइए 2x% सीधा सीधा किसके बराबर आएगा बेटा? तो इन्हें अगर हम जोड़ेंगे तो एक तरह से ये आएगा 36%, और 36 को अगर 2 से भाग करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आएगा x% बराबर 18%। बोलो ये बात समझ आ गई क्या? और ये बात अगर समझ आई होगी तो आपको परसेंटेज चैप्टर याद आ गया होगा। अरे आ गया ना, लेकिन एक बात बताइए, मैंने इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक तरीका और बताया था आपको, उस तरीके को समझेंगे तब आपको और चीज अच्छी क्लियर हो जाएगी, गौर से सुनना वो क्या है। तो वो
चीज क्या है याद करिए, पहली वस्तु है, दूसरी वस्तु है, और दोनों को मिलाकर मुझे टोटल बताना है। तो मैंने ये वाले क्वेश्चंस आपको परसेंटेज मेथड से भी कराए थे। अब परसेंटेज मेथड से कैसे करेंगे, पहले रेशियो बताओ। अगर दोनों का रेशियो 1:1 है तो आप बताओ अकॉर्डिंग टू रेशियो ये जो क्रय मूल्य बनेगा ये 1/2 बनेगा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1 है, टोटल कितने का 2 का, तो रेशियो में एक तरह से 1/2 होगा। और दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य कितना होगा अकॉर्डिंग टू रेशियो 1/2 होगा। आप बताओ पहली वस्तु में 20% की वृद्धि हो रही है तो 1/2 में गुणा कैसे करेंगे 20%, और दूसरी वस्तु में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 16%, तो गुणा करेंगे 16%। बोलो क्लियर है। और आप बताइए दोनों का टोटल निकालना है तो प्लस कर दो, तो बेटा दोनों में से हाफ बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा बेटा क्या 20% प्लस 16% बनेगा या नहीं बनेगा। और मजे की बात है, देखो कि ये जो टर्म लिखी हुई है क्या लिखी हुई है, दो वैल्यूज आपको दे रखी हैं 20% और 16%, और उन दोनों के योग को हम दो से भाग कर रहे हैं, तो ये एक तरह से दो संख्याओं का एवरेज है। एवरेज ऑफ टू नंबर होता है a प्लस b बाई टू। अरे होता है या नहीं होता, तो इसका मतलब हम एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। क्या हम एक कॉन्सेप्ट ये बना सकते हैं कि जब भी दो वस्तुओं का सीपी अगर सेम दे दिया जाए, या तीन वस्तुओं का अगर सीपी सेम दे दिया जाए, चार वस्तुओं का यदि सीपी सेम दे दिया जाए, तो जो टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट होता है, जो टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट होता है, वो हमेशा और हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, एवरेज के बराबर होता है। अरे क्लियर है। दो नंबर का एवरेज क्या होता है ए प्लस बी बाई टू, तीन नंबर का एवरेज क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। अरे क्लियर है, यही होगा टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो आज के बाद मैं इस क्वेश्चन में इतना सब कुछ नहीं करूंगा भाई साहब, आज के बाद मैं इतना सब कुछ नहीं करूंगा, आज के बाद मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इस बात को कि अगर कभी भी सीपी सेम हो तो आप कहेंगे टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा सीधा बराबर होगा एवरेज के बराबर। किसके बराबर होगा, एवरेज के। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि सीपी क्या रहना चाहिए, सेम। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, आप अगर आप एक सेकंड में करना चाहते हो, ये एक्स निकालना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप बोलेंगे टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट होगा इन दोनों का एवरेज, और दो नंबर का एवरेज होता है दोनों के सम का आधा, तो 20 और 16 को जोड़ेंगे तो 36 बनेगा, और 36 का एक ही डायरेक्ट आधा कर दो तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 18% की वृद्धि। बोलो समझ आया क्या आपको, क्लियर हुआ क्या हर स्टूडेंट को। तो लेकिन कंडीशन याद रखना, फिर कंडीशन ये रहती है सीपी क्या रहना चाहिए, सेम। बोलो क्लियर हुआ, अगर आपको क्लियर हुआ तो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, अब आपको गौर से सुनिए और क्वेश्चन का आंसर कर बताइए, इन वाले क्वेश्चंस का आंसर, सीपी सेम वाले क्वेश्चंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूं। देखो बताओ आंसर, देखो भैया पढ़ो, आंखें फाड़ फाड़ के पढ़ो, 2021 का क्वेश्चन है ये। और मजे की बात बता दूं, यही सेम क्वेश्चन, ऐसा ही सेम क्वेश्चन रीट में आया था, रीट में, राजस्थान वाले टेट में, राजस्थान वाले टेट में ऐसा क्वेश्चन आया था। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन देख लो, आपका यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, यूपी पुलिस एसआई में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, आंसर बता दो, देखते क्या होगा, जल्दी फास्ट। गुड इवनिंग बेटा, देखो रिपीट तो मैं अभी कर दूंगा, बस क्वेश्चन पढ़ना एक सेकंड में। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 3000 रुपए में प्रत्येक में दो वस्तुएं खरीदी, तो आप बताओ एक व्यक्ति ने हर वस्तु को 3000 रुपए में खरीदा है, तो इस लाइन का मतलब है सीधा का सीधा कि इस क्वेश्चन में दोनों वस्तुओं का सीपी क्या है, सेम है। अरे समझ गए, दोनों वस्तुओं का सीपी क्या है, सेम। अब वो कह रहा है यदि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, पहली वाली वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा है वो, तथा वह दूसरी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, देख लो रे देख लो क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर वो कह रहा है बताइए टोटल लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, टोटल पूछ रहा है कि टोटल लाभ या हानि परसेंट बताओ। मैंने क्या बोला अभी क्वेश्चन के अंदर, यदि क्वेश्चन के अंदर आपको सीपी क्या दे रखा हो, सेम, अगर सीपी क्या हो बेटा, सेम, तो आपका जो टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट होता है वो सीधा सीधा एवरेज के बराबर होता है। तो आप कुछ मत करिए, इन दोनों वैल्यूज का एवरेज निकाल दीजिए, और दो वैल्यूज का एवरेज होता है ए प्लस बी बाई टू, तो बेटा आप बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, तो मैं करके भी बता रहा हूं, देखो प्लस 10% माइनस 5, इन दोनों को जोड़ के जस्ट आधा कर दो, तो आप बताओ 10 में से 5 गया तो 5, और 5 का आधा, यही मेरा आंसर है, और 5 का आधा कितना होता है बेटा 2.5%। आंसर इज ओवर, एक सेकंड में आंसर खत्म है।
तो आपका लाभ आंसर आएगा बी ऑप्शन। देख लो आप, एक सेकंड में आंसर इज ओवर। बोलो क्लियर हुआ क्या, बोलो क्लियर हुआ क्या। अगर कभी भी अलग अलग वस्तु का सीपी अगर सेम हो और आपको टोटल और टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना हो, तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा एवरेज से निकल जाएगा बिना कोई कैलकुलेशन के। जो उनका एवरेज होगा वही आपका क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बोलो क्लियर हुआ। और एवरेज होता है ए प्लस बी बाय टू, और अगर तीन संख्या होती तो तीन का होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय थ्री, अगर ये चार होती तो आंसर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय सी प्लस डी बाय फोर। वेरी गुड। देखो क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं हुआ, बेहतरीन तरीका है या नहीं है, बट कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। कंडीशन ये कहती है कि टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा एवरेज से निकलेगा। चेक कर लो सामने, ईयर पढ़ लो, 2000 प्रेजेंट अपडेटेड क्वेश्चन है ये। सर आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बात समझ आई या नहीं आई। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। लो अगला क्वेश्चन बता दो एक सेकंड में। अगला क्वेश्चन सेम फिर दोबारा पढ़ो, 2021 का क्वेश्चन है, फिर दोबारा आंसर कर दो। अगेन ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक और दिया गया एग्जाम में, आंसर बताओ जल्दी फास्ट सबके सब। मुझे आंसर चाहिए सबके सब का। बताइए आंसर। तो देखिए भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक वस्तु को दो समान टुकड़ों में प्रत्येक के लिए समान धनराशि का भुगतान करके खरीदे गए, समान धनराशि का भुगतान करके खरीदे गए, तो लाइन कह रही है कि दो टुकड़े हैं और दोनों के टुकड़ों का सीपी क्या है बेटा, सेम है। और अगर सीपी सेम है तो हुआ क्या है दोनों टुकड़ों के साथ, पहले तो ये देख लो। तो वो कह रहा है कि भाई यदि उसने उन्हें क्रमशः माने अलग अलग, यदि उसने उन्हें 25% लाभ और 20% की हानि पर बेचा, पहले टुकड़े को 25% के लाभ पर बेचा, दूसरे को 20% हानि पर बेचा, तब ये कह रहा है कि बताइए उसका कुल लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, टोटल आपसे पूछ रहा है। तो भैया ये बात बताओ, मैंने अभी क्या बोला आपसे, मैंने आपसे ये बोला कि अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको ये फील आ जाए पढ़ के कि क्वेश्चन का सीपी है यदि सेम और आपको अलग अलग वस्तुओं का यदि आपको टोटल प्रॉफिट और लॉस निकालना हो, तो उस क्वेश्चन के अंदर हमेशा टोटल प्रॉफिट और लॉस हमेशा एवरेज के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एवरेज। तो दो नंबर का एवरेज होता है ए प्लस बी बाई टू, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा पांच, घट जाएगा ये तो प्लस पांच बटे दो, तो आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 2.5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट होगा 2.5% का प्रॉफिट। बोलो समझ आया क्या, तो ऑप्शन राइट होगा बेटा सी ऑप्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, बात समझ में आई। चलिए बेटा अब करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, वेरी गुड। क्लास में मिलते हैं हम आपसे, गौर से सुनिए। चलिए ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर, ठीक है, मजे ले।